आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, त्राल में ढेर किए दो आतंकी, ऑपरेशन जारी। पंजाब में किसानों ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 22 संगठनों ने मिलकर बनाई पार्टी। सीएम योगी ने छात्रों को बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट, समाजवादी पार्टी पर कसा तीखा तंज। क्रिकेट को अलविदा कह चुके हरभजन सिंह बोले, रिटायरमेंट लेने में 3-4 साल की देरी हो गई। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले आए सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के दौरे पर आ रहे हैं। रामपुर के ऐतिहासिक रठौंडा शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास सीएम करेंगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड और SP अंकित मित्तल ने राठौर शिव मंदिर पर पहुंचकर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जनसभा स्थल, हेलीपैड और पार्किंग स्थल संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और 1 जनवरी को रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, यहां पे चूंकि एक तो जो रठौंडा मंदिर है वो हमारा बहुत ही श्रद्धा का स्थल है, जिन पर रामपुर के लोगों के लिए भी और प्रदेश के लोगों के लिए भी, और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, महादेव भगवान का स्थान है, तो उसको लेकर जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके पास में फंड आया हुआ है, उसको प्लान करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि स्थानीय लोगों से उनकी उपस्थिति में हम लोग चाहें और उनसे जानें कि उनकी राय क्या है। तो जो यहाँ बाहर यात्री शेड है और जो हमारा रोड है और जो सामने हमारा पॉन्ड है, उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं, उसको मैंने टूरिस्ट ऑफिसर को बोला है कि वो उसको उसमें शामिल करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम एक यहाँ पर प्रस्तावित है, उसके यहाँ होने की संभावना है कार्यक्रम की। आगाज कार्यक्रम के तहत मिर्जापुर में प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बयान दिया। प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि सपा ने जो किया दिख रहा है, गुंड माफियाओं को प्रश्रय दिया गया, जहां सत्ता में रहकर लूट खसोट किया गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने सड़क तक को बेच दिया है, वहीं अब प्रदेश में योगी सरकार ने माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है और प्रदेश से गुंडाराज खत्म हो गया है। आपने देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कैसे गुंडे और अपराधी पुलिस को आदेशित करते थे, निर्देशित करते थे, बल्कि पुलिस के CO को बोनट पर बैठाल करके घुमाते थे। और चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने बड़े बड़े नारे जरूर दिए कि चढ़ गुंडों की छाती पे और बटन दबाओ हाथी पे, फिर जब अपनी गरज पड़ी, इस देश के जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देके 2014 में 2017 में प्रचंड बहुमत देकर के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो एक बार कभी पप्पू और टीपू एक साथ हो गए कि यूपी को साथ पसंद है। देवरिया में मिशन स्कूल जलकल रोड में क्रिसमस डे के बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर क्रिसमस डे पर जश्न मनाया। लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर अपनी खुशी बांटी और 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीहा के जन्म पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। नर्मद ऑल फ्रेंड ने कहा कि क्रिसमस डे का संदेश आपस में खुशियां बांटना है, खुश रहना, आपस में प्रेम बांटना है। इस पर्व को हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्रिसमस डे का मुख्य उद्देश्य बुराई को खत्म करना और अच्छे विचारों को एक दूसरे में फैलाना है। इंडो नेपाल बॉर्डर की न्याय पंचायत गुलरिया पत्थर शाह की ग्राम पंचायतों के स्कूल में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न तरह के मंचन पर खूब ख्याति बटोरी। वहीं सेंटा बने नित्या और अभिनव मित्तल ने बच्चों को गिफ्ट दिया। साथ ही दैविक तिवारी ने एक हरियाणवी गानवे पर धमाकेदार डांस कर खुशी का इजहार किया है।
इस दौरान स्कूल की मैनेजमेंट हेड सरिता सिंह ने बताया कि क्रिसमस एक पवित्रता का पर्व है। जीएस यानी ईसा मसीह को लेकर मान्यता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी साधारण लोगों के बीच रहकर बहुत ही साधारण तरीके से गुजारी है। इसके अलावा जीसस लोगों को सही रास्ता दिखाया करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बुलंदशहर में भाजपा नेता पर फायरिंग मामले में आरोपी आरएलडी नेता विशाल चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान जारी कर खुद को बेगुनाह बताया। आरएलडी नेता विशाल चौधरी का आरोप है कि भाजपा नेता जनप्रिय ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत घात घुस बुलाकर मारपीट और फायरिंग की, और फायरिंग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब पूरे मामले में आरएलडी नेता ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और घटना में जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और आरोपियों को सजा दी जाए। पुलिस प्रशासन ने लगाई है मदद की गुहार। आपको बता दें कि बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएलडी नेता विशाल चौधरी का बयान सामने आया है, जहां नेता ने खुद को अब बेगुनाह बताया है। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और अब पूरे मामले में आरएलडी नेता ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और घटना में जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दीपक नाम के लड़के ने मुझे 10:30 बजे या 11:15 बजे करीब कॉल करी, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता, और उसने मुझे बुलाया कि आप जल्दी से यहाँ पे आइए जनप्रिय सिंह के यहाँ, और बहुत इमरजेंसी बात है। मैंने इसका विरोध करा, मैंने बोला मैं रात बहुत हो रही, मैं अभी नहीं आ सकता, आप मुझे सेवा बताइए। सेवा क्या है कि भाई आप प्लीज आइए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, और मुझे वहां पे इसने प्रेशराइज करके वहां पे मुझको बुलाया, जिसकी मेरी कॉल डिटेल भी है मेरे पास इनकी, और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स भी है। तो उसके बाद वहां पर बुलाने के बाद वहां पहुंचता हूँ, आराम से मैंने वहां पर गाड़ी खड़ी करी है जनप्रिय के गेट पर, मैंने उनसे जाके हाथ मिलाया, हाथ भी नहीं मिलाया मुझसे उन्होंने, और मुझसे बोल रहा हावी बहुत बड़ा नेता हो गया तू आजकल राष्ट्रीय लोकदल का। तो मैंने उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि चार लोग थे, जनप्रिय सिंह युवा नेता जो है वहां पे भाजपा के उपाध्यक्ष जिले के, और उनके तीन अन्य साथी जिनका नाम है आशीष, दीपक और एक राणा जी हैं, मैं नहीं जानता उनको। तो ये मुझे जनप्रिय के गेट पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से थोड़ा साइड में ले गए और वहां मेरे साथ इन्होंने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। किसी तरह मैं वहां से अपनी जान बचा के भागा हूं, जान बचा के भागने के बाद इन्होंने पीछे से मेरे को फायर करा है आशीष ने, और इसने जन्नू ने पिस्टल से करा है, और क्या कहते हैं ये अंदर भागा है जो दीपक नाम का बंदा है, जो इस जन्नू का गार्ड है सोनू, उसकी राइफल लेके इन तीनों ने कंटिन्यू बैक टू बैक फायर कर रहे हैं कम से कम 10 से 15 राउंड। मैं वहां से भाग गया हूँ, भागने के बाद मेरी इन्होंने गाड़ी तोड़ी है। वहां के किसी स्थानीय लोगों ने, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, इन लोगों की वीडियो भी बनाई है मुझे गाली देते हुए भी, और इनके कंटिन्यू फायर ये राइफल से कर रहे हैं उस चीज की वीडियो भी है, जो कि मैं मीडिया को सौंप चुका हूं और प्रशासन को भी सौंपने वाला। खबर रायबरेली से है, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला रायबरेली में मिला है। हाल ही में यूएस से लौटी युवती ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई, जहां युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि जानकारी मिली कि युवती की दूसरी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल युवती को होम आइसोलेट में कर दिया गया है। इसके अलावा नाइजीरिया से लौटे व्यक्ति भी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट आना बाकी है। ये महिला यूएस में काम करती थी, फोटोग्राफर थी, फ्लोरिडा में रहती थी। वहाँ से 13 तारीख को आई है दिल्ली एयरपोर्ट पे, और उसके बाद यहाँ 16 तारीख को आई है। 16 को ही हमारी टीम ने उसको ट्रैक कर लिया है। सूचना हमको मिल गई थी कि ये लोग आ रहे हैं, तो उसका टेस्ट कराया गया था, जिसमें इसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव था, और आरटीपीसीआर पीजीआई से हमारे यहाँ होता है, और वहीं से सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है। तो जिसकी रिपोर्ट ओमिक्रॉन की आज हमको मिली है, वो भी इसका पॉजिटिव आ गया है। लेकिन इस दौरान एक सैंपल इसका आरएमएल लैब से हुआ है 19 तारीख को आरटीपीसीआर का, जो घर पे सैंपल कलेक्ट किया है आके, वो निगेटिव आ गई है। ये हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस महिला के पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है? देखिए, ये महिला जो है यूएस के फ्लोरिडा में फोटोग्राफर थी, और उस वहां से ये रायबरेली आई थी। हालांकि जो है
दिल्ली एयरपोर्ट से बगैर किसी जांच के निकल के आ गई है, लेकिन रायबरेली के रेलवे स्टेशन पर जब इसकी जांच कराई गई जिसकी और जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो इस महिला के अंदर जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। ओम शंकर, जिस तरीके से ये भी बोला जा रहा है कि दूसरी रिपोर्ट आने के बाद इसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है और उसको आइसोलेट क्या किया जा रहा है, क्या उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, इस महिला को होम आइसोलेट किया गया है और जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आई है, उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दोबारा जो है फिर इसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि ये महिला इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बयान के मुताबिक पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने घर में है। तो क्या कुछ और लोगों के संक्रमित होने की बात कही जा रही है? जी हाँ, इस महिला के संपर्क में लगभग 70 लोग आए थे जिनकी सबकी जांच कराई गई और ये जो महिला आई है यूएस से, इसके परिवार में ही 13 लोग हैं, तो सबकी ही जांच कराई गई लेकिन सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब आगे जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की दोबारा जब इस महिला की जांच होगी तो जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से इसका इलाज होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी के छाऊ चौराहे पे महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मंत्री पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीधर राज ने केक काटा और इस अवसर पर पूर्व वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी के 143 कस्बा विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर श्री कृष्ण राज ने भी पासी समाज को एकजुट रहने की बात कही। इस अवसर पर बेहजम ब्लॉक प्रमुख बीना राज, पासी समाज के जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रामशंकर राज, हजारों ने संख्या की पासी समाज के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा हुए। बस्ती में इन दिनों बस्ती पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में छावनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की और घेराबंदी के बाद बदमाशों को मौका पाते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया और बाद में पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आज 25 दिसंबर की प्रातःकाल छावनी पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए मुठभेड़ के दौरान दो असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक असलाह तस्कर प्रद्युमन चौहान के पैर में गोली लगी और उसके फायरिंग में हमारे एसएसआई छावनी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी, जो अभी खतरे से बाहर हैं। दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, करामत अली और प्रद्युमन चौहान। प्रद्युमन चौहान का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है जहाँ वो खतरे से बाहर हैं। इन दोनों अभियुक्तों से 3 अवैध असलहे बरामद हुए हैं, एक 32 बोर की पिस्टल है और दो कट्टे हैं जिसमें एक 312 बोर का, एक 315 बोर का है। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है और नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही सरकार लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है और इसी के साथ अब यूपी में नाइट कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी ने ट्वीट करके यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है और इसे प्रभावी बताया, जहां ट्वीट कर सीएम ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। इसको लेकर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अब पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार ने कई और कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर भीड़ एकत्रित ना होने पाए और जो शादी समारोह या ऐसे कोई भी समारोह हैं वहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा लोग ना जमा होने पाए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और तमाम जो लोग हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और ख़ास तौर से आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ये काफ़ी संवेदनशील और सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर लोग बाहर से आते भी हैं और कोरोना वायरस के नए वेरियंट को लेकर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में या सभी जगह पर जो ओमिक्रॉन का फैलाव है वो लगातार बढ़ता
बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम तरह की जो सावधानी है वो बरती जा रही है और एयरपोर्ट पर तमाम तरह की स्क्रीनिंग और जो RT-PCR टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। आने जाने वाले यात्रियों की सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी के जिसके पास भी जो भी किसी मरीज़ के अंदर कोई भी कोरोना के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उन्हें पास के जिला अस्पताल में वहाँ पे उनको एडमिट कराया जा रहा है और उनका पूरा उपचार किया जा रहा है। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। खबर औरैया से है जहां अजीतमल पुलिस अभी दो शवों की हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी कि वहीं तीसरा शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी मिली है कि 24 घंटे के अंदर तीसरा शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फफून थाना क्षेत्र में अधेड़ का शव बरामद हुआ है और इसी के साथ पुलिस ने घटनास्थल पर घेराबंदी करते हुए जाँच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों को सजा देने की बात कही है। खाद लेने के लिए साइकिल पैसे भी जा रहे थे, साइकिल भी ला रहे थे जी। और सबसे जो है घर नहीं पहुंच पाए। दंगा का यही है कि किसी ने, अगर लगता है कि कहीं किसी ने मार पीट के साइकिल छीन ली, पैसे निकाल लिए हो, यहाँ डाल दिया हो या कुछ भी हो, होता है। माखन के पास नाले में जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं, एक बॉडी को बाहर निकाल कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए। सहारनपुर में पुलिस लगातार नशे का काला कारोबार करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना गंगोह पुलिस के अवैध नशे का काला कारोबार करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना गंगोह पुलिस ने मेडिकल पर छापेमारी के दौरान 27,600 टैबलेट और 3,400 नशे के कैप्सूल बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर अभियुक्त को नशे की दवाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने मेडिकल पर छापामारी करके एक बड़े नशे की खेप बरामद की है। अब पुलिस शातिर अभियुक्तों की कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। चेकिंग के दौरान ये एक अभियुक्त मनीष, जो कि ये थाना इंद्री करनाल जिले का हरियाणा से यहाँ पर आया हुआ था, और इसको जब इसको रोक कर चेकिंग की गई तो इसके पास से 1200 गोलियाँ जो हैं अल्प्रा सेफ की मिली, जो कि एक शेड्यूल्ड NDPS में ड्रग है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये कस्बे में ही मोहल्ला छत्ता पड़ता है, वहाँ पर एक चौधरी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर रवि नाम के लड़के से ये गोलियाँ खरीदता है। तो इसमें पूरी टीम बनाकर जो है उस पर छापा मारा गया उसकी दुकान पर, जहां से कि हमें 27,000 जो है एल्प्राजोलाम की टैबलेट्स मिली हैं, 3400 पेरिकॉन कैप्सूल और कुछ अलग कैप्सूल्स मिले हैं, जो कि वो भी इसमें NDPS के अंडर शेड्यूल ड्रग में आते हैं। इन दो अलीगढ़ के थाना दहली गेट के क्षेत्र में खैर अनियंत्रित ट्रक होने से सवारियों से भरे ई रिक्शा को रौंद दिया, जिसके चलते ई रिक्शा में बैठी महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे को लेकर जानकारी दी जा रही है कि तेज रफ्तार ट्रक ने कई स्थानों के बोर्ड और 3 शेड को ध्वस्त कर दिया गया। जहां बहरहाल इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ आगे की कार्रवाई जारी है। परिवार के हैं 4, तो हमारे परिवार के हैं 3 के नाम अलग थे, वो लड़के जेंट्स। तो उधर से नाम इधर से हमें ट्रक जा रही थी, उधर से नाम आ रहा था ट्रक, तो उसने के नाम इधर दोनों साइड में ले रहा था, वो लेके आ रहा था। उसने एक साइड से मोड़ी ना ट्रक वाले ने, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया ट्रक वाला, उसने उन्हें ट्रक वाले ने ठोक दी। ये समझ लो कुछ बाल बाल बची ट्रक के नाम ट्रक उसके ऊपर चढ़ा था ट्रक के ऊपर। ये खैर रोड पर हुआ है, ये नाम है सावरिया लॉज के सामने थे, नमाज से आ रहे थे और जा रहे थे, गलत साइड सामने से ट्रक वाला आ रहा था, हम तो अपनी साइड जा रहे, ट्रक वाले चला रहे और सामने से ट्रक वाले ने गलत ला के काटते काटते ट्रक चला दिया ऊपर ई रिक्शा पर, पीछे करके फौरन भाग गए वो लेके, ई रिक्शा पर चला दिया ना वो, फिर भाग गया वो रिक्शा पर चढ़ा दिया, बैग करके भागा। मैं लोग मौजूद थे क्या? नहीं लोग मौजूद तो नहीं थे, लेकिन आप वाहन चल रहे थे और गली बराबर गली थी सामने के, ट्रक वाला बैग करके भाग गया। हाँ वहाँ से कुछ लोग आवाज सुन के निकल के आए, जब लोग थे वहाँ। अच्छा जिस ई रिक्शा में थी आप, टोटल कितने लोग होंगे इसमें? 11 लोग थे, 4 6 हम थे। फतेहपुर में आवारा पशुओं का आतंक अभी भी जारी है और खुलेआम घूम रहे आवारा पशुओं किसानों की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। फसलों के बर्बाद होने से किसानों में काफी ज्यादा परेशान है। परेशान किसान अब मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं और खेतों से आवारा पशुओं के बाहर करने के लिए मदद मांग रहे हैं।
खबर बुलंदशहर सिकंदराबाद क्षेत्र के नगलाबंशी गांव से है, जहां बीजेपी विधायक विमला सोलंकी करीबियों पर मंदिर की जमीन पर कब्जाने का आरोप लगा है। इस दौरान लोगों ने सालों पुराने मंदिर पर राखी राधा कृष्ण की मूर्ति खंडित करके झाड़ियों में फेंक कर आग लगाने का आरोप लगाते हुए सिर्फ जाने के प्रदर्शन किया, और इस दौरान ग्रामीणों के साथ पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। जो हम सभी लोग हिंदू संगठन के लोग आए हुए हैं नगलाबंशी में, जो मंदिर की जो बात चल रही है, यहाँ के जो सिकंदराबाद की जो विधायक हैं उनके द्वारा इस मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है, जो उनके रिश्तेदारों द्वारा मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है, और जिस तरीके से मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसको आज हम देखने आए हैं। सभी मंदिर के लोगों से यहाँ पर गांव वालों से मिले हैं, जानकारी मिली है, और इस मंदिर को बनवाने के लिए हम सभी लोग आंदोलन करेंगे। DM और प्रशासन तक और मुख्यमंत्री तक ये लड़ाई रहेगी। हमारे गाँव वाले सभी साथ हैं। हरदोई में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1080 क्वार्टर मिश्रित जहरीली शराब बरामद हुई है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए छात्रों के पास से टाटा टियागो कार, नकली QR कोड, ढक्कन व यूरिया बरामद हुई है, जहां पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कोतवाली शहर पुलिस SWAT व सर्विस लाइन टीम को 20,000 रुपए नकद इनाम देने की भी घोषणा की है। शहर जनपद हरदोई का प्रकरण है। हमारी कोतवाली शहर पुलिस SWAT सर्विलांस टीम को सफलता मिली। इन्होंने जहरीली शराब बनाने वाले एक रैकेट का भांडाफोड़ किया है। उस रैकेट के 4 कुख्यात अपराधी जो कन्नौज के निवासी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी कृष्णवीर सिंह उर्फ लल्ला फरार है। ये ऑर्डर लेकर के और मिश्री शराब बना के सप्लाई करते थे। ये शराब पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आने वाले चुनाव के दौरान इसको सप्लाई किया जाना था सस्ते में और जहरीली। गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में पारिवारिक विवाद के सगे भाई ने अपने भाई पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार किया। इस जानलेवा हमले में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में CO गोरखनाथ रत्नेश शुक्ला ने बताया कि आरोपी भाई घटना के बाद फरार चल रहा है। फिलहाल घटना की वजह से पड़ताल की जा रही है और परिवार की ओर से तहरीर मिलने के बाद केस दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में 60,000 बच्चों को टैबलेट और मोबाइल फोन वितरित किए। इस दौरान CM योगी ने कहा कि अपने लिए जीना क्या जीना है, वहीं हमें मूल्यों के आदर्शों समाज के लिए जीना चाहिए। वहीं इसी दौरान कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी से हमारे संवाददाता ने बात की। बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज लखनऊ के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1,00,000 छात्रों को टैबलेट और मोबाइल वितरित किया गया है। बहुत जल्द इन्हें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के भी आसानी से दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए आज प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें मोबाइल और टैबलेट दिया गया है, और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ACS अवनीश अवस्थी जी। सर, आज बच्चों को आप लोगों की तरफ से टैबलेट और मोबाइल फोन दिया गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल है, तो उस पर कैसे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बात अभी भी बनी। देखिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी और जो यूजेज ऑफ इंटरनेट है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदेश में बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स और पूरा नेटवर्क और मजबूत किया जा रहा है। इसमें जो है रोड साइड में फ्री ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए मोबाइल कंपनीज को अनुमति दी गई है, और मैं कह सकता हूँ कि हर गांव तक अब कनेक्टिविटी आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आज जो टैबलेट का वितरण हुआ है इसमें सॉफ्टवेयर भी दिया गया है, और निश्चय ही ये जो छात्र हैं गाँव में हो चाहे बिल्कुल एकदम दूरस्थ क्षेत्रों में है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे जैसे इम्प्रूव होगी इनको फायदा मिलेगा, पढ़ाई में इनको आगे बढ़ने में और रोजगार में भी फायदा। क्या माना जाए कि जिस तरह से कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को करनी पड़ी थी, काफी लोगों को समस्याएं हुई थी, उसी से जोड़कर इस कदम को उठाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये एक लक्ष्य निर्धारित मुख्यमंत्री जी का था कि हर छात्र तक हम पहुंचे। यूपी में सबसे ज्यादा युवा है, आपको उन्होंने बताया, यूपी हर प्रदेश से पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी में सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर भी है, यूपी में सबसे ज्यादा MSMEs भी है, यूपी हर क्षेत्र में नंबर वन है। तो ऐसे में यूपी के युवाओं को हम इस वितरण के कार्यक्रम में भी नंबर वन पर ले जाएं, ये आज उद्देश्य है। 60,000 को तो आज इस ग्राउंड में ही जो है 59,543 को आज इस ग्राउंड में ही बांटा गया है, आगे मंडल मुख्यालयों पर भी बांटा जाएगा,
और 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा किया गया। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये इकाना स्टेडियम है जहां पर करीब 60,000 बच्चों को अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की तरफ से जो लैपटॉप और मोबाइल है वो बांटा गया। और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस मैदान में किस तरह से जो युवा है उनकी संख्या करीब 60,000 बताई जा रही है, और 60,000 बच्चों को और कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में 1,00,000 बच्चों को आज मोबाइल और टैबलेट जो है वो बांटा गया है। और साफ तौर पर पूरी प्रयास यही है कि इस बार ये जो उत्तर प्रदेश का युवा है इसे डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाए। कोविड के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उन ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चों को समस्या इसलिए हुई थी क्योंकि उनके पास वो डिजिटल इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन प्रदेश सरकार का ये कहना है कि अब अगर इस तरह की समस्या कोविड की तरह की कोई समस्या आती है और ऑनलाइन क्लासेस कराने की जो समय आता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी करानी पड़ेंगी तो ऐसे में अब इन बच्चों को दिक्कतें नहीं होंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।